मैं एक्साइटमेंट में सुबह सुबह स्टेशन पर आ गया और सबसे पहले टिकट ले लिया। और ये है मेरे प्यारे से होम टाउन दिलदार नगर का खूबसूरत सुबह का नज़ारा। और स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल दिख रही थी। हम भी एक साइड आकर बैठ गए और ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। तभी सुबह सुबह गरीब रथ, जो कि प्रीमियम ट्रेन है, वो अराइव कर रही थी दिलदार नगर स्टेशन पर। और देखते ही देखते हम उसमें इतने लीन हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा और हमारी ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। और जल्द ही हमारी ट्रेन दिलदार नगर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करती। और स्टेशन से निकलने के कुछ समय बाद ही हमारी ट्रेन नियर अबाउट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली। और इसके दमदार रफ्तार से हमारी ट्रेन जर्नी का मज़ा डबल हो गया। सुबह काफ़ी ठंडी और खूबसूरत थी। हम गेट पर खड़े होकर इसका आनंद उठा रहे थे। और जल्द ही हम अपने पहले स्टॉप दरौली नामक स्टेशन पर आकर पहुंच गए और ट्रेन हमारी धीमे होने लगी। तब तक आप इंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्दी। दरौली से निकलने के कुछ समय बाद ही हमारी ट्रेन अपनी रफ्तार में पकड़ ली। बाहर का वातावरण काफ़ी साफ सुथरा और ठंडी था। मैं अपने आप को बाहर काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था, इसलिए मैं गेट पर खड़े होकर इन दृश्यों का आनंद ले रहा था। और कुछ किलोमीटर यात्रा करने के बाद हम अपने सेकेंड स्टॉप जमानिया नामक स्टेशन पर पहुँचे, जो कि दिलदार नगर टू मुगलसराय का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। और जल्द ही हम जमानिया को छोड़कर कई छोटे बड़े स्टेशनों को पार करते हुए हम आगे बढ़ गए। और हम ऐसे ही कई स्टेशनों को कवर भी नहीं किया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अगर आपका भी घर इन रूट के बीच में है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। हमारी ट्रेन इस सफ़र को और भी मज़ेदार बनाती जा रही थी, क्योंकि सुबह का मौसम था और काफ़ी ठंडी मौसम थी। जहाँ देखो दूर दूर तक खेत थे और काफ़ी हरियाली भी था, जिधर देखो पेड़ पौधे और खूबसूरत हरियाली भी थी। तो हम इसी बीच इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ऐसे स्टेशन पर पहुँचे जो कि इस रूट का सबसे खूबसूरत मुझे स्टेशन लगा, क्योंकि वो पूरा नेचर के गोद में था वो स्टेशन, जिसका नाम तुलसी आश्रम है। मेरे हिसाब से हो सकता है यहाँ पर तुलसी जी आए हों या फिर कुछ उनका आश्रम रहा हो, तो उसके उन्हीं का ये मतलब उन्हीं के नाम पे स्टेशन बनाया गया, जो कि काफ़ी खूबसूरत था।
और हम ऐसे ही ट्रेवल करते करते एशिया के सबसे बड़े यार्ड मुगलसराय यार्ड में एंटर कर जाते हैं। और स्टेशन के पहुंचने तक हमारी ट्रेन एकदम स्लो हो गई थी। हम धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने ही वाली थी। बहुत सारे लोग स्टेशन से पहले ही उतर गए, पर हमें तो स्टेशन पर उतरना था और वहां से हमें ऑटो पकड़कर काशी विश्वनाथ तक जाना था। हमारा गोल सेट था। हमारे सामने वैग 7 जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो हमारे साथ पैरेलल रेस कर रहा था। रास्ते में मुझे वैग 12 जो कि मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड है वो मुझे दिखा, पर अफसोस मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब हमारा स्टेशन हमें काफ़ी क्लियरली विजिबल हो रहा था और हम अब स्टेशन पर लगने ही वाले थे। और इस स्टेशन का नाम पहले मुगलसराय हुआ करता था, पर बाद में उसे चेंज कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। कहा जाता है कि मुगलसराय को इसका नाम मुगलसराय इसलिए पड़ा क्योंकि जो मुग़ल थे वो दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए यहीं पे बीच में ठहरते थे। और हमारे सामने ये DDU का वैब 4 लोकोमोटिव जो कि एक पैसेंजर लोकोमोटिव है। चलकर अलाहाबाद जबलपुर के रास्ते बैंगलोर सिटी को जाने वाली 1296 संगमित्रा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। मी हैव योर अटेंशन प्लीज 12296 संगमित्रा एक्सप्रेस। मुगलसराय उतरने के बाद हम वहाँ से ऑटो कर लिए और ऑटो करके काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुए जो कि बनारस में है। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया था ऑटो से। हमें खूबसूरत गंगा नदी भी दिखी, हम गंगा नदी को क्रॉस कर रहे थे। और हम लगभग आधे घंटे के सफ़र के बाद हम उन वाराणसी के खूबसूरत गलियों में पहुँच गए और हम टहलते हुए गंगा की ओर बढ़ते जा रहे थे। और गलियों में ऐसा मालूम पड़ता था कि हर तरफ श्रद्धा भाव भक्ति की महक फैली हुई हो जो कि काफ़ी आनंद दे रही थी। और घाट के किनारे आने के बाद मानो हम सब कुछ भूल गए और इस गंगा की पवित्र जल के कलकल बहते पानी को ध्यान से सुनने लगे। और इन नावों को देखकर हमें भी नौका विहार करने का मन हुआ, हम भी नौका विहार करने के लिए निकल गए। और गंगा के उस शीतल जल में उतरने के बाद मानो ऐसा मालूम पड़ता था कि हम सारी थकान भूल गए और उस खूबसूरत वाराणसी शहर को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है जो कि उस नौका विहार पे हमने को देखने को मिला। भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में गिना जाता है और मुझे यह आज जाकर पता लगा कि लोग दूर दूर से यहाँ आकर क्यों मरते हैं। यहाँ आकर मरने वाले को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो उन सब चीजों के बाद हम उस पवित्र गंगा में स्नान कर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक आ गए और आकर हमने दर्शन करने लगे। यहाँ पर मोबाइल ले जाना या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो हमने कुछ ड्रोन फुटेज की हेल्प से आपको दर्शन कराया, क्योंकि इसके बिना यह जर्नी अधूरी रह जाती। तो एंजॉय कीजिए इस ड्रोन फुटेज को। और करते हैं इस वीडियो का यहीं पे अंत, मिलते हैं किसी ऐसे ही और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर यह जर्नी कैसा रहा कमेंट करें। थैंक यू।